आज हमारा बाली का दूसरा दिन है और हम हैं तानालॉट टेंपल में। अभी हम लोग जा रहे हैं तानालॉट सीशोर टेंपल, तो अभी आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा स्टार्टिंग में ही बोर्ड लगा है कि अगर वेव जो है वो हाई है तो आप आगे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो भीड़ तो है आज थोड़ी, इनका यहाँ का लोकल लॉन्ग वीकेंड भी चल रहा है, इस वजह से भी थोड़ी भीड़ है। और ऑफ कोर्स टूरिस्ट लोग तो आते ही हैं यहाँ पे, तो वो भी है। यहाँ मेरे पीछे तानालॉट टेम्पल है और वेव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाना अलाउड भी नहीं है और हम लोग जा भी नहीं रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए वहाँ पे होली स्नेक लिखा हुआ है, और यहाँ से मैं देख रही हूँ कि वो सांप का ऐसे आर्किटेक्चर है पत्थर का ही, तो ऐसा कहते हैं कि ये जो स्नेक है वो टेम्पल की जो है वो रक्षा करते हैं। हम लोग नीचे से ऊपर आ गए हैं और ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, तो अगर वहाँ पे नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से भी बहुत अच्छा दिख रहा है ये। और ये जो टेम्पल है ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ऐसा बोलते हैं कि ये समुद्र के जो देवता हैं उनके लिए बनाया गया है और वो लोग इनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ बाली में किसी भी टेम्पल के अंदर टूरिस्ट वगैरह जो भी गेस्ट हैं उनको अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे भी डोर जो है वो क्लोज्ड ही है, मे बी इनके जो पुजारी लोग जो भी इन पूजा वगैरह करते होंगे वो सिर्फ अंदर जाते हैं, बाकी लोगों को यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। गर्मी बहुत है तो मैंने अपने लिए ली है ये एक वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम, और हम लोग अब जा रहे हैं तानालॉट टेम्पल से फाइनली वापस। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस के बाद दोनों साइड जो है काफ़ी सारी शॉप्स है, तो परचेज करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन हाँ अगर आप बार्गेन करने में अच्छे हैं तो आप अच्छी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग अभी हैं उलुवाटू टेम्पल में और पहले हम लोग करेंगे टेम्पल विजिट, उसके बाद 6 बजे से यहाँ पे होने वाला है कैचक डांस शो, तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे उलुवाटू टेम्पल। उलुवाटू टेम्पल का जो टिकट है वो बाहर में मिलता है, और कैचक डांस के लिए जो टिकट मिलता है वो टेम्पल के अंदर में मिलता है, और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है तो अगर आप कैचक डांस देखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 4 बजे तो टेम्पल के अंदर आना ही चाहिए, तभी जाके आपको टिकट मिलेगी। तो हमारे लिए तो हमारे जो कैब ड्राइवर है वो टिकट लेने के लिए क्यू में लगे हैं, और अभी हम लोग पहले टेम्पल विजिट करेंगे। हम लोग बैठ गए हैं कैचक डांस शो देखने के लिए, और ये पूरा स्टेयर्स जैसा बना हुआ है, यहाँ बीच में कैचक डांस शो होगा। हमारा शो जो है वो 6 बजे से स्टार्ट होगा और अब भी हो रहे हैं 5:50। यहाँ से सनसेट का व्यू भी दिखने वाला है हमें। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये शो स्टार्ट हो, और ये शो 1 घंटे का, बेसिकली इसमें रामायण की स्टोरी दिखाते हैं और उसको जो भी यहाँ का ट्रेडिशनल वे है उसके थ्रू रामायण की स्टोरी को परफॉर्म करते हैं।
Thank you.